पर सबसे ज्यादा प्रभावित होती है उन देशों की जनता। विश्व के दो सबसे बड़े देशों में एक अलग ही युद्ध की स्थिति चल रही है। आखिर कौन है ये देश और क्या है ये सारा मामला, जानेंगे आज। नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में, मैं हूं वैशाली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित उत्पादों पर $300 अरब का आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। यह आयात शुल्क सितंबर से लागू होगा। अमरीका ने चीन से आयातित उत्पादों पर पहले ही $250 अरब की कीमत का आयात शुल्क लगा रखा है। अमरीका चीन के चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से चीन की विकास दर में गिरावट आ रही है। आयात शुल्क की दरें ज्यादा होने से चीन के निर्यात में भी गिरावट आई है। इस ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया भर में मंदी का खतरा मंडराने लगा है। दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में ट्रंप की इस घोषणा के बाद और तलखी आने की संभावना है। नए आयात शुल्क पहले सितंबर से प्रभावी होंगे। इसके बाद चीन से आयातित सभी सामानों पर टैक्स लगेगा, यानी स्मार्टफोन से लेकर कपड़ों तक सभी सामान आयात शुल्क के दायरे में आ जाएंगे। बैंकॉक में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मंत्री बैठक के मौके पर वांग ने कहा कि आयात शुल्क लगाना निश्चित ही आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते में खटास को हल करने का सकारात्मक तरीका नहीं है। ट्रंप ने आयात शुल्क की घोषणा ट्विटर पर भी की है। इसमें उन्होंने चीन पर और अधिक अमरीकी कृषि उत्पादों को खरीदने के वादे का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है। बाद में अमरीकी राष्ट्रपति ने संवाददाताओं को कहा कि 10% आयात शुल्क एक अल्पकालीन उपाय है और आगे चलकर इसे बढ़ाकर धीरे धीरे 25% तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ ये बहुत पहले ही किया जाना चाहिए था। इस आयात शुल्क की घोषणा के बाद से ही आर्थिक बाजार में गिरावट देखने को मिली है। वॉल स्ट्रीट के डाउ जोन्स शेयर इंडेक्स में 1.1% की गिरावट के साथ ये बाजार बंद हुआ, तो एशियाई बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई। तेल की कीमतें धराशायी हो गईं। 30 लाख से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि चीन पर इस नए आयात शुल्क से अमेरिकी बिजनेस, किसानों, कर्मचारी और ग्राहकों पर बुरा असर पड़ेगा और साथ ही इससे मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इसने दोनों देशों से सभी तरह के आयात शुल्क को हटाने की भी मांग की है। ट्रंप के पूर्व आर्थिक सलाहकार गैरी कोहन ने एक इंटरव्यू में कहा कि आयात शुल्क लगाने की इस लड़ाई का अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर में खराब असर पड़ रहा है। इस आयात शुल्क का असर अमेरिकी केंद्रीय बैंक द फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में की गई कटौती पर भी पड़ेगा। ये कटौती बीते एक दशक में पहली बार की गई है। फेडरल रिजर्व अध्यक्ष जेरोमी पॉवेल ने कहा कि अमेरिकी व्यापार नीतियों की आलोचना करने का काम केंद्रीय बैंक का नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मई और जून के महीने में व्यापारिक चिंताएं बढ़ रही हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी व्यापार नीतियां काम कर रही हैं और बीजिंग पर इसका असर हो रहा है, लेकिन इससे केवल चीन पर ही असर नहीं पड़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट है। इस बात के भी सबूत है कि ट्रेड वॉर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। बीते हफ्ते जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कम वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस ट्रेड वॉर की वजह से व्यापार और निवेश में गिरावट आई है। अमरीकी कंपनियों ने विस्तार और निवेश पर रोक लगा रखी है, मतलब ये कि नई फैक्ट्रियां और नए रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। इन सभी परिस्थितियों से निवेशक बहुत परेशान हैं और ये भी चिंता जताई जा रही है कि ट्रेड वॉर अब कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच इसके आसार दिखने भी लगे हैं। कैसे शुरू हुआ ट्रेड वॉर का सिलसिला, आइए जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक मतभेद शुरू हो गए थे। 2016 में अपने राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के दौरान ट्रंप ने चीन पर बार बार चीन के माल को अमरीकी बाजार में डंप करने और अमरीकी बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाया। ट्रंप चीन के साथ अमरीकी व्यापार घाटे को भी कम करना चाहते थे। वो कहते हैं कि इससे अमरीकी विनिर्माण क्षेत्र को नुकसान पहुँच रहा है। बीते कुछ सालों में दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर व्यापार में टैरिफ लगाया है।
कई दौर की बातचीत के बावजूद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ट्रेड वॉर को खत्म करने के समझौते पर पहुंचने में अब तक नाकाम रही हैं, जो न केवल निवेशकों की चिंता का विषय है बल्कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 7i News के लिए पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार।